सन 2014 से पहले आप कपड़ा नहीं पहनते थे, अब तो ये मोदी जी आए, आप कलेक्टर बन गए, कोई मिनिस्टर बन... सुन लो पहले पहले सुनो पहले सुनो, कपड़ा नहीं पहनते थे, रोटी नहीं खाते थे, जंगलों में झिंगा लाला करते थे, पत्ते बांध के तुम्हें कुछ नहीं मिलता था, पहले सुन लो। अरे पहले सुन तो लो यार, आपके मोदी जी क्या क्या कहे थे, आपने कोई ध्यान दिया उस बात पे? एक बात पे भी ध्यान दिया, 2 करोड़ नौकरी दूंगा साल का, नहीं दी, काला धन लाऊंगा, नहीं लाए, सबको पक्का मकान दूंगा, दे दिया, गंगा का साफ कर दूंगा, कर दिया, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, कैसा मिटाया? छगन भुजबल तू भ्रष्टाचार है कोई बात नहीं, मेरी पार्टी में आ जा, तू पाक साफ है। अजीत पवार तू भ्रष्टाचार है 70,000 करोड़ का, मेरी पार्टी में आ जा, मैं पाक साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार से मैं लड़ूंगा, लेकिन कब? जब तुम दूसरी पार्टी में हो, मेरी पार्टी में आ जाओ, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अभी मोदी जी कह रहे हैं हर जगह जा रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, तो वहाँ पर कह रहे हैं कि जो भी 10 साल में किया मैंने वो तो एक ट्रेलर था, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, क्या बोलेंगे इस पर? जो ट्रेलर दिखाया मुझसे से इतनी भरपाई हो चुकी है, हमारी पेट इतना भर गया, हमें आगे फिल्म देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम नहीं चाहते कि आगे वो उनको मौका मिले या आगे वो कुछ और दिखाएँ, ये ट्रेलर ही इतना भयानक है तो पूरी फिल्म कैसी होगी, सोच सोच के मन काँप जाता है। अच्छा नहीं है क्या ट्रेलर? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं, अगर ये ट्रेलर है तो बाकी कल्पना कर सकते हैं कि फिल्म कैसी होगी और कितनी खतरनाक होगी आगे चल के, क्या देश में हालात पैदा हो गए और क्या फिर पैदा होंगे, अगर ट्रेलर है उनके हिसाब से ये तो वाकई फिल्म बहुत खतरनाक होगी, ट्रेलर से ही अंदाज़ा लगता है, तो हमें नहीं चाहिए आगे की पूरी फिल्म, हम ट्रेलर में ही खुश हैं, बस यहीं हमारा पैकअप कर दो, आप अपना झोला उठाओ और अपने गृह प्रदेश। मोदी जी तो कह रहे हैं ना कि इस बार हम तीसरी बार आएंगे तो अर्थव्यवस्था बनाएंगे तीसरी। जी जी जी, तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, लगातार कैसे बनाएंगे, बार बार वो अर्थव्यवस्था का तो बड़ा हवाला देते हैं, आम आदमी को अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है, अर्थव्यवस्था के नाम पे वो इतना कर्जा बढ़ा के बैठ चुके हैं, इतना कर्जा बढ़ा के बैठ चुके हैं, जो सारी सरकारों ने पिछली सरकारों में 2014 में छोड़ा था लगभग 55 लाख करोड़ रुपये विदेशी कर्ज, वो बढ़ा के उन्होंने आज 205 लाख करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया, और अभी भी 7.5 लाख करोड़ लेने की और तैयारी चल रही है, और 3.5 लाख करोड़ के लिए वो कोरिया जाने की उनकी सुना था हमने पीछे कि तैयारी चल रही है, 3.5 लाख करोड़ कोरिया से लेंगे वो, यानी 11 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अभी और लेने को वो तैयार है, तो कैसी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे साहब, कहाँ ले जाएंगे हमारे देश को, कौन से कर्ज के गर्त में डुबोएंगे वो, कौन से कर्ज के गहरे कुएं में डुबो के डालेंगे, नहीं चाहिए साहब हमें, बड़ी पुरानी कहावत है अगर किसी का कर्जा सिर पे नहीं है तो बड़ी चैन की नींद आती है, और हम वो चैन की नींद लेना चाहते हैं। ये कर्जा आप मोदी जी अपने लिए थोड़ी ले रहे, देश के विकास के लिए तो रहे, विकास भी तो हो रहा है देश में, देश में विकास हो रहा है, कर्ज के नाम पे कौन सा विकास हो रहा है मुझे तो कहीं नज़र नहीं आता साहब, 155 लाख करोड़ का कर्जा और मुझे 100 लाख करोड़ छोड़ो, 50 लाख करोड़ छोड़ो, 5 लाख 7 लाख 10 लाख करोड़ से का भी विकास नज़र नहीं आता कि चलो 10 लाख करोड़ रुपये इसमें खर्च हो रहा हो तो ये समझ में भी आए, 155 लाख करोड़ का विकास आपको कहीं नज़र आता है? मुझे तो नहीं नज़र आ, हो सकता है मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हो, उम्र हो गई है मेरी, 52 साल हो गई है, मेरी नज़दीक की नज़र कमज़ोर हो गई है तो इस वजह से मुझे नहीं दिखता हो, तो कहाँ है वो 155 लाख करोड़ का जो है कर्जा लेने के बाद विकास कहाँ है? विकास के नाम पे वो गिना देते हैं जी हमने वंदे भारत चला दी, आधी से आधा वंदे भारत खाली चल रही है, वंदे भारत की रनिंग कॉस्ट जो है वो 3 गुनी पड़ रही है उसकी कलेक्टिव कॉस्ट से, कलेक्टिव कॉस्ट में एक वंदे भारत लगभग 30 करोड़ रुपये आमदनी कमाती है और उसके जो चलाने का खर्चा है वो 90 करोड़ से ऊपर आ रहा है, घाटे में जा रहे हो ना आप लगातार, फिर किस चीज़ के लिए आप कर्जा बढ़ा रहे हो? आप बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हो, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, उस बुलेट ट्रेन में बैठेगा कौन, कितने डब्बे आप उसमें लगा दोगे, 10, 15, 20 डब्बे भी अगर आप बुलेट ट्रेन में लगा दोगे, एक डब्बे में 75 आदमी 72 आदमी बैठे जाते हैं जनरली सिटिंग में, अगर स्लीपर में माना जाते हैं हम मान लेते हैं कि 20 1500, उन 1500 लोगों के लिए आप 1 लाख करोड़ रुपये का खर्चा कर रहे हो, और हमारे जो छात्र हैं नौजवान हैं जिनको जाना होता है थर्ड एसी में, आप जो उनकी हालत देखो, स्लीपर में आपको टिकटें नहीं मिलती, जनरल तो खैर आपने ख़त्म ही कर दिया, बुजुर्गों की आपने रियायत ख़त्म कर दी, तो उस कर्ज का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हो आप? कहीं हमें भी तो लगे कि कर्ज का इस्तेमाल सही हो रहा है, चलो अब कोई आदमी कर्ज लेता है जी अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए लेता है, अपनी वर्किंग कैपिटल बढ़ाने के लिए लेता है, तो उसका वो वर्किंग कैपिटल उसका कर्जा नज़र तो आता है, यहाँ तो नज़र कुछ आता ही नहीं सिवाय ये कि कर्जा बढ़ता जा रहा है, विकास घटता जा रहा है, तरक्की भी तो हो रही है देश की, वही मैं तरक्की मैं सर जानना चाहता हूँ, अगर आप तो चलो पत्रकार हैं, हो सकता है मैं आम आदमी हूँ, मुझे तरक्की नहीं दिख रही, आप मुझे तरक्की के पैमाने तो दिखाओ कि ये तरक्की हुई और ये तरक्की हुई, मुझे भी तो लगेगा मैं गलत हूँ, किस चीज़ में तरक्की हो रही है? मोदी जी कह रहे देखिए टेक्नोलॉजी में कितना आगे जा रहा है हमारा इंडिया, डिजिटल इंडिया, करोड़ का कर्जे से टेक्नोलॉजी का क्या लेना देना साहब? दूसरी चीज़ अगर आप ये बात करते हो तो अभी आप देखो, आपने मोदी जी ने एक पुराना भाषण दिया था, हवाई चप्पल पहनने वाला भी जो है हवाई जहाजों में यात्रा करेगा, आज हवाई जहाजों की कंडीशन क्या है? विस्तारा एयरलाइंस के वो नहीं है जिसको टाटा की अंडर में दिया गया था, उसकी हवाई उड़ाने सारी बंद हुई पड़ी है, टिकट का जो कॉस्ट है जो 5-7 हज़ार की टिकट होती थी आज वो 26,000 27,000 30,000 में पहुंच गई, क्या वो हवाई चप्पल पहनने वाला वो टिकट ले सकेगा? कभी ले सकेगा? कभी नहीं लग सकता, क्यों ले सकेगा? आप कह रहे हो कि हम विकास कर रहे हैं, मुझे विकास तो मैं तो साफ कहता हूँ जी मुझे तो विकास कहीं नज़र नहीं आता, क्या हमारी सरकारी संपत्तियों को बेचना विकास है? क्या हमारे बैंकों के घाटे में डालना विकास है? क्या उद्योगपतियों का लोन राइट ऑफ करना विकास है? आप विकास के नाम पर पूंजीपतियों का लोन माफ़ कर देते हो, ये विकास है? ये आपको ये करना चाहिए कि आपको वो किसानों को MSP देना चाहिए, ये विकास है?
आप किसके कर्जे माफ करते हो? उद्योगपतियों के, किसानों के नाम पे आपका साफ सुन जाता है? कैसा क्या बोलेंगे भाई साहब, विकास हुआ कि नहीं? केजरीवाल जब आए थे शुरू शुरू में अपनी राजनीति को उठाने के लिए, समाज सेवा करने के लिए आए थे, वो तो सबको चोर बता। मैं केजरीवाल की कर रहा हूँ, आप तो, मैं केजरीवाल की कर रहा हूँ ना, आपको दुख हो रहा है क्या? नहीं, मुझे दुख नहीं। हाँ तो ठीक है, तो क्या खुशी, अब जो मैं बोलूंगा खुशी होगी तो उसको जवाब देना। भाई केजरीवाल सबको चोर बता के आए थे, सबको चोर, भ्रष्टाचारी, सारी पार्टी वाले, ठीक है? तो आज वो डाकू कैसे हो गए? वो कहते हैं मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। आज वो राजनीति में भी आ गए, गाड़ी भी ले लिया, बंगला भी है। बताओ बताओ क्यों आ गए? बड़े 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 खुश हो रहे हैं। नहीं नहीं, जवाब क्यों नहीं दे पाऊंगा साहब? हाँ, ये बड़े खुश हो रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, ठीक है जी, मान ली। हाँ जी, खुश, सुन लो पहले। हाँ, आगे की बात अब सुन लो। सुनो आप पहले, बातें करने की आप बात कर रहे हो कि केजरीवाल जी ये कह के आए, केजरीवाल जी वैसा कह के आए, आपके मोदी जी क्या क्या कह के आए थे, आपने कोई ध्यान दिया उस बात पे? एक बात पे भी ध्यान दिया? 2 करोड़ नौकरी दूंगा साल का, नहीं दी। काला धन लाऊंगा, नहीं लाए। सबको पक्का मकान दूंगा, दे दिया। गंगा का साफ कर दूंगा, कर दिया। भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, कैसा मिटाया? छगन भुजबल तू भ्रष्टाचारी है, कोई बात नहीं, मेरी पार्टी में आ जा, तू पाक साफ है। अजीत पवार तू भ्रष्टाचारी है 70,000 करोड़ का, मेरी पार्टी में आ जा, मैं पाक साफ कर दूंगा। है भ्रष्टाचार से मैं लड़ूंगा, लेकिन कब? जब तुम दूसरी पार्टी में हो। मेरी पार्टी में आ जाओ, कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। क्या बोल रहे? इन्होंने दो बातें कही, क्या नाम, मैंने कहा मैं थोड़े क्या नाम बोलूँ, क्या नाम है नेताओं के ऊपर, मोदी जी के बारे में। हाँ, इन्होंने कहा था, क्या नाम भाई, मैंने फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबको चोर बता के आया था, भ्रष्टाचारी बता के आए थे ना, मैं कह रहा हूँ सारी पार्टी के चोर, ठीक है? तो ये केजरीवाल कैसे ईमानदार हो गया है? वो कह रहा था ना, तो वो कैसे चोर हो गया, वो कैसे डाकू बन गया आज के टाइम में? कैलाश गहलोत इसकी पार्टी का पहले संबंध पे ही पहुंच गया था ईडी के वहाँ, ये 9 संबंध पे जाने के आने के बावजूद भी ईडी पे क्यों नहीं गया? क्यों? उसको पता था कि मैं कहीं ना कहीं चोर हूँ, कहीं ना कहीं गलत हूँ, क्योंकि वो फाइलों पे, अब समझ में आया, वो फाइलों पे साइन क्यों नहीं करी? बात मोदी जी के बारे में बोलो, रोजगार के बारे में। हाँ, रोजगार नहीं, रोजगार वाली बात नहीं थे, दूसरी और क्या बोला था आपने? मैं क्या बोलूं? नहीं, भ्रष्टाचार, 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 भ्रष्टाचार की बड़ी बातें कर रहे थे। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार के कौन से बोल रहे? भ्रष्टाचार के बारे में नहीं बोलते, जहाँ तक इन्होंने रोजगार के बारे में बोला था, भूल जाते क्या आप? क्यों मैं बोलता हूँ, बात आती है रोजगार की। 60 साल राज किया है कांग्रेस ने, कितना? 60 साल कम नहीं होते। अगर 60 साल राज करने के बावजूद ये ऐसी बातें करे बेरोजगारी और महंगाई की, तो शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। महागठबंधन के महागठबंधन के नेताओं को जो कह रहे हैं कि 60 साल के अंदर गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई की बातें कर रहे हैं, गरीबी और महंगाई की बातें कर रहे हैं, इसलिए बताओ, जवाब दो। ये महेश जी कहना चाह रहे हैं कुछ, महेश जी से सुनो। हाँ भाई साहब को मैं बताता हूँ, कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी पार्टी थी, उसने सब भूखे, अरे सुन लो ना, उसने सब भूखे मार दिए। सन 2014 से पहले आप कपड़ा नहीं पहनते थे, अब तो ये मोदी जी आए, आप कलेक्टर बन गए, कोई मिनिस्टर बन, सुन लो पहले, पहले सुनो, मैंने तुम्हारी पहले तुम्हारी इतनी बात सुनी, अब मेरी तो सुनो, है ना? कपड़ा नहीं पहनते थे, रोटी नहीं खाते थे, जंगलों में झिंगा लाला करते थे, पत्ते बांध के तुम्हें कुछ नहीं मिलता था, पहले सुन लो। अरे पहले सुन तो लो यार, मोदी जी आए सन 2014 में, लोग बागों ने 53 साल बाद कांग्रेस को क्यों हटाया? हमारे बड़े बूढ़े पागल थे जिन्होंने लगातार कांग्रेस को, पार्टी को, एक मिनट सुन लो, पार्टी को वोट दिया। मोदी जी ने इतने बड़े बड़े वादे किए, लोग बागों को मुंगेरी लाल के सपने होते हैं ना, वो दिखाए, उनमें से एक वादा पूरा नहीं हुआ, एक भी का। अगर कोई आप कह दो 10 साल में उनके मुंह से बोला हुआ कोई भी वादा हुआ, वो कभी राम मंदिर पर वोट मांगते हो, कभी शहीदों के नाम पर वोट मांगते हो, और कभी अब तो वो कृष्ण मंदिर भी आने वाला है, अभी चालू हो चुका है, क्योंकि अभी योगी जी गए थे, अभी तक तुम जय श्री राम कर रहे थे, अब है ना राधे राधे करो। एक मिनट सुनो भाई, सुनो सुनो तो सही यार, सुनो सुनो मेरे बाप, राम, अरे तुम्हें